नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे चंद्र पर्वत से निकलने वाली सूर्य रेखा के विषय में कि इसके विषय में शास्त्र क्या कहता है। तो सबसे पहले चंद्र पर्वत हमारा ये होता है, ये देख ली इस भाग में अंगूठे के अपोजिट वाला दिशा जो होता है ये हमारे हथेली का चंद्र पर्वत है। पुरुष अपने दाहिने हथेली को और लड़कियाँ अपनी बाएँ हथेली में देखें। चंद्र पर्वत से चंद्र में तीन स्थान होता है, तीन भाग में, चूँकि ये पर्वत बड़ा स्थान होता है तो चंद्र में कहीं से भी निकले ये चंद्र से निकलती हुई सूर्य रेखा, ये देखिए सूर्य पे पहुंच गई। ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो और निर्दोष हो। मैं बार बार कहता हूँ निर्दोष, क्लियर, स्पष्ट, क्योंकि जब पूर्ण फल किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है तो वो अक्सर कहते हैं कि ये रेखा मेरे हाथ में है मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। शुभ रेखा पर किसी प्रकार का कटछट होगा, द्वीप होगा, लहरदार होगा तो इसके फिर शुभ परिणाम में काफ़ी कमी आ जाती है। इस बात को ध्यान में रखना है। स्पष्ट और साफ सुथरी ही रेखा पूर्ण फल देती है। साथ में पर्वतों की स्थिति पर विशेष ध्यान देनी है। सबसे विशेष होता है हथेली की स्थिति कि जातक किस ग्रह का प्रधान है, क्योंकि उसकी इच्छा और उसकी मन की स्थिति उसी ग्रह को सपोर्ट करती है। तो उसके विषय में हम विस्तार से बात करेंगे। आज बता रहे हैं कि यहाँ चंद्र से जब निकलती है तो ऐसे व्यक्ति का जो है कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होता है, सोचने समझने की शक्ति बहुत मजबूत होती है। गुड थॉट, अच्छी कल्पनाएं, अच्छी सोच वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। संयमित भाषा, चंद्र से निकला है, चंद्र शीतलता का कारण होता है। संयमित बात करेंगे किसी से तो बहुत ही अच्छे से संयमित रूप से बात करेंगे। बुद्धिमान होते हैं ये, जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे, क्योंकि जब सूर्य पे पहुंच रहा है तो ऊर्जा इनके पास बहुत अधिक है, कार्य करने की क्षमता इनको सूर्य बहुत अधिक दे रहा है, सोचने समझने की, नाम और पद प्रतिष्ठा भी सूर्य दे रहा है। अब है कि इनके पास बुद्धिमानी आ गई, विद्वान हो गए, किसी भी क्षेत्र एक क्षेत्र में आपको ये विशेष विद्वान मिलेंगे, जिसके कारण इनको जो है यश मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। तो ये एक शुभ चिन्ह होता है कि चंद्र से सूर्य तक आपकी सूर्य रेखा स्पष्ट रूप से हो। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, धन्यवाद।